हाय रे मेरा किस्मत यार, मैं तेरे से ना बहुत गुस्सा हूँ। इतने साल हो गए पर तूने अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलाया मुझे। अबे तू पागल है क्या? कैसी बेस्ट फ्रेंड है तू मेरी? मैं तो सालों से सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। बस तुझे याद दिला रही थी। परी का तो बेइज्जती हो गया। वो बेस्टी, हाँ? तेरे से कुछ बोलू बुरा मत मानियो। ठीक है, तो ना चुड़ैल जैसी लगती है और तो दिन भर मेरा दिमाग खाती है। मैं भी कुछ बोलूं बुरा मत मानियो बस। नहीं, मैं तो मान जाऊंगा। पड़ी का दिमाग। अरे यार, ये आंटी मिठाई देना तो शायद भूल गई है मैं। ए तू चिंता मत कर, अभी कर रही हूँ मैं कुछ इंतजाम। अरे पता है आंटी, जब हम आ रहे थे ना तो मैं रास्ते में बहुत दूर जाके गिर गई थी। हैं, कितनी दूर? जितनी दूर आपकी ये मिठाई रखी है ना, इतनी दूर। अरे बेटा, मैं आपको मिठाई देना तो भूल ही गई। ये लो। आज तो भाग गया। बताओ, छेड़ोगी लड़की? मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी। तो मेरी दोस्त ने झूठ बोल रही है कि तुम आज लड़की छेड़ के आए हो। वो मुझे बदनाम कर रही है। लो अपने भाई से पूछ लो। लो बताओ, मैं लड़की कहाँ छेड़ता हूँ? बताओ, कॉलेज के बाहर। ये क्या हो गया? देसी जुगा। काशिश जरा सॉल्व दे। अरे स्पून नहीं है। शाबाश मैक्स। डॉक्टर नंबर वन। डॉक्टर साहब, आपने जो लास्ट टाइम दवाई दी थी ना, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, कितने की दवाई दी थी मैंने? 150 रुपए की। अच्छा, तो इस पर 100 की दे देता हूँ, 50 का फायदा हो जाएगा। ठीक। सबसे बड़ा सच। 100 गरीब, 100 जॉबलेस, 100 करियरलेस, जस्ट लुकिंग लाइक ए फ्यूचरलेस। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बॉय विल बी बॉय। भैया 10 का मंचूरियन। क्या ले रहा है भाई? ले रहा भाई, पार्सल देना। परी का ज्ञान। 11-12 साल के बच्चे व्लॉग बना रहे, 13-14 साल के बच्चे रिलेशनशिप में, और मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को रील भेज रहे। ये कैसा बहन है? कुछ सेंटेंस है वो पढ़ के दिखा जरा आज मुझे। ठीक है। ये क्या लिखा है? गवार। ये क्या लिखा है? कुत्ता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। चल ठीक है, दूसरा पढ़। ये क्या लिखा है? गधा। अच्छा, ये क्या लिखा है? जानवर। बहुत बढ़िया। ये बताओ, प्यारा। हाँ, भाई ने ये क्या बोल दिया? यार सबा, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, दबा देना। दबा तो मैं दूंगी, पर बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं भी दबा दूंगा। क्या तेरा सर, समझ रहे हो? रैपर नंबर वन। मुझसे रैप नहीं होती यार। अरे यार बहुत सिंपल है, देख मैं जो भी बोलूँ ना उसको राइम करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मैं दूंगी तुझे इज्जत, प्यार और साथ, कभी नहीं करूंगी अत्याचार। अच्छा,
अत्याचार करना तो दूर की बात है, अत्याचार का मैं सोच भी नहीं सकता। अगर राइम करने की कोशिश कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? जैसे ये देख, फिर से देख, तूने आते ही मेरी जिंदगी सवार दी, थोड़ी मेरी एक्स ने थी मेरी किस्मत फोड़ी। सर राइम करना है ना, तेरे एक्स ने तेरी किस्मत फोड़ी, बाहर से बुलाऊं मैं तुझे बेबी, अंदर से बुलाऊं तुझे बहन की लौड़ी। अपना फोन कभी लॉक खोल के मत देना। शाबाश। बंदे का डिमांड। ख्याल रखा करो अपना, मुझे 6 बच्चों की उम्मीद है तुमसे। मेरा मैकेनिक बॉयफ्रेंड। अच्छा लग रहा है ना ऐसे घूमना? और पता है सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है? बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में स्कूटी पे घूमना और भुट्टा खाना और ऐसे भीगते रहना कितना अच्छा लगता है। क्या हो गया? पीछे वाले ब्रेक शू खराब हो रहे हैं इसके। चेचिस के अंदर हेक्स बोल्ट लगेगा 10x1.4 mm का, उसके बाद में ऑयल चेंज होगा एक इसका। ये वाला फैन खराब हो रहा है, कोई बात नहीं रिपेयर कर देंगे, 500 रुपए में पूरा काम कर दूंगा। अरे कोई बात नहीं बेबी, तेरे लिए 400 रुपए में कर दूंगा। सेल्फ स्टार्ट में ही प्रॉब्लम है उसके। अपना काम कर मिस्त्री। पार्टी खत्म। एक मिनट रुक, तेरी भाभी से पूछना बताता हूँ। सुनो मैं कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ आज रात खाना खाने बाहर जा रहा हूँ। छोड़ यार, आज घर पे काम बहुत है यार, घर पे काम बहुत है। ऐसा गर्लफ्रेंड किसको चाहिए? हाय हाय, मेरी गर्लफ्रेंड है। ओके, वी कैन बी फ्रेंड्स। नहीं बनना ना तुम्हारा फ्रेंड, मैं मेरे गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। It's okay, but हम लोग एक बार कॉफी के लिए तो जा ही सकता है। क्या करूंगा तुम्हारे साथ कॉफी पे जाके? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार जो मैंने बोला? ऐसा क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड में? It's okay, हम लोग कुछ देर के लिए जा सकते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल हूँ, ठीक है? मुझे तुम्हारे साथ ना ही कॉफी पे जाना है, ना ही मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। मैं लॉयल हूँ और लॉयल रहूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है? जरूरत नहीं है मुझे किसी के साथ डेट वेट पे जाने की। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करना है। बस ये जो एंड में थोड़ा स्मर्क था ना, वो थोड़ा कम रखियो और एटीट्यूड भी। नहीं नहीं प्रॉमिस, मैं नहीं करूंगा कुछ ऐसा। परफेक्ट, जाओ बॉयज ट्रिप के लिए। ऑन रखूंगा लोकेशन, ऑन रखूंगा व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वो भी करूंगा। थैंक यू, गिफ्ट लाऊंगा ना पक्का, जाओ ना पक्का, नहीं करूंगा चीटिंग। आदत से मजबूत। ओए ये देख, नई शर्ट ब्रांड न्यू, कैसी लग रही है? तुझे कसम अच्छी नहीं बोलेगा। लुकिंग लाइक अ वाव। मोहतरमा का ज्ञान। ये एक चीज समझने में मुझे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मर्दों को सारे रास्ते कैसे पता होते हैं? वो पता है जब मेन रोड पे ट्रैफिक लगा होता है तो जब अपन पीछे पीछे से जाते हैं ये गली से, तो ऐसे 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 करके देखेंगे, बूम एग्जैक्टली वहां निकलते हैं जहां होना चाहिए। मतलब डूड ऐसे लगता है या इन्होंने गूगल मैप्स का ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड करके दिमाग में फिट कर दिया है। पूछ लो तो कहते हैं अरे मैं इधर से आया हूँ, कब कब आए, ये साइड क्या काम था तुमको। अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद है तो एक लाइक, और ऐसे नई वीडियोस पाने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और आप लोगों को मिलेगा इस चैनल से ढेर सारा खुशी और प्यार।